पार्टी क्रश नहीं, फ्री का खाने जा रहे। इसने बोला नहीं मैं फ्री का नहीं खाने जा रहा, तुझे किसने बताया? और ये सच में फ्री का खाने जा रहा है। शादी के लिए मैंने ये वाली कमीज मम्मी से प्रेस करवा दी है, जिसमें अपनी लकीर पड़ी है। देखो ये अच्छी बात होती है, लेकिन मैं इतना बढ़िया हूँ कि मैं ऑन कैमरा कुछ नहीं खाऊंगा, ऑफ कैमरा खाऊंगा सारा। और ये मिल के साले ये योगा वाला भैया साथ में लेके आए हैं बादल बना के। ये हमारा फॉर्मर ब्लॉगर, मैं इसके भरोसे बैठा था साले के कि ये ब्लॉग बना के कभी जिंदगी में सफल बनेगा तो थोड़ा मेरा प्रमोशन कर देगा। ये साला खुद ही छुप गया अपने फोन के पीछे, छुप रहा तो टाइम हो गया शाम के 7 और आज पूरे दिन कुछ नहीं किया, ब्लॉग बनाने का मन ही नहीं करा। मन क्या नहीं करा, बारिश आ रही, तूफान था, और आज शाम को ना एक जगह पार्टी क्रश करने जाना है। क्रश पार्टी क्रश नहीं, ये फ्री का खाने जा रहे। इसने बोला नहीं मैं फ्री का नहीं खाने जा रहा, तुझे किसने बताया? और ये सच में फ्री का खाने जा रहा है, और ये यहाँ पे भी मेरी ये खा गया। अभी इसको मैंने खाना दिया, मैंने आज खाना, ये इतना निर्दयी है ना, कांच के ग्लास में इतना ही आता है फुल, ठीक है? मैंने इसको बोला था फुल देना, और इसने ना मुझे बोला कि कांच के ग्लास में इतना ही आता है तो इतना ही पीना है, और वो भी आधा। ज्यादा ये पी नहीं पाती ना, जूठा कर देती है, फिर मैं पीता तो कह रही जूठा नहीं पीना। और इसको बिस्कुट और नट ट्राई कर दे रहा हूँ खाने में। इसका खाया तू? नहीं खाया, एक खाया बस, बिस्कुट नहीं खाया। बिस्कुट में ना यार तू एक खाया बोल के तूने मुझे दिया ही कितना? 5 है, पूरे 5 है उसके अंदर। वो नीचे नीचे गिर गए ना, थोड़े नीचे नीचे गिर गए हैं। नीचे का गिर गया? पहले मैंने इसको बिस्कुट दिए थे, ऊपर से नट क्रैकर रखे ना, तो वो दब गए नीचे। मैंने 2 ऊपर कर दिए, बाकी नीचे भाई देख ले आराम से। कहाँ गए यार, यही तो थे, रुक जा यहीं पे, वही चाहे। तो ये इसका खाना है, और आज ये भी कहीं से भट चुरा के लेके आई है। किसके बैग? तुम्हारे बॉयफ्रेंड लेकर आया, तो वो भी पहाड़ी है, तो उसने मुझे इसका दोस्त का एक सखा है, वो लेके आया, वो पहाड़ी था, तो उसने हमें सफेद भट दिए, लेकिन इसमें ना काले भी है, लेकिन इसमें काले भट की बू भी आ रही है थोड़ी सी। बू नहीं, काले भट भी है उसमें, इसमें काले भट भी थोड़े से। तो इसकी बनेगी अब भटाभट। भटाभट एक दाल होती है जो हमारे पहाड़ में बनती है, भटाभट कहते हैं उसको, और ये फटाफट बन जाती है। एक दियो। सुबह फोन आया दोस्त का, कहता भाई पार्टी क्रैश करने चलेगा क्या? मैंने कहा पहले क्यों नहीं बताया, कह रहा रात हो रही थी ना, सो रहा था मैं। क्रैश बोलता है ऐसे जैसे सूट वूट पहन के जाएंगे। तो उसने मस्त स्मार्ट लगेगा, और कहता कि भाई हमारे ना किसी की सगाई है, तो लड़का है जिसकी सगाई है, और यहाँ मालवे नगर में ही है, बिल्कुल मालवे नगर स्टार्ट होता है यहाँ पे केंद्र भंडार है, वहीं पे एक हॉल है, तो उसके अंदर उसके शादी सगाई है, और शादी 4 तारीख की है। तो उसने बोला कि भाई पार्टी क्रैश करने चलेगा, तो मैंने कहा कौन कौन जा रहा है, कौन कौन जा रहा है, मैंने कहा कौन कौन जा रहा है, हाथ पकड़ना पड़ रहा है, हाथ दर्द। मैंने कहा कौन कौन जा रहा है, तो कहता मैं जा रहा हूँ, छोटा भाई जा रहा है, चाचा लड़का उसका, कह रहा तू चल, और जहाँ वो योगा सीखता है ना वहाँ पे भैया है, वो कह रहा वो भी चल रहे हैं। तो मैंने कहा भैया पार्टी क्रैश करेंगे? कह रहा हाँ भैया पार्टी क्रैश करेंगे। तो मैंने कहा चल ठीक है, 500,000 रुपए ठीक है, इतने सारे चले जा रहे हो खाना खाने के लिए, शर्म नहीं? 500,000 वो आज नहीं देंगे, जो नेक है वो उस दिन देंगे जितनी शादी होगी, आज तुम पार्टी क्रैश करने जा रहे हैं। वो बुलाया उनको है, और वो 2 और ले जा 2 को रहे हैं। हाँ तुम करो चाह रहे हो, तो मैं वहाँ पे बुरी बात है वैसे, गाइस ऐसे कभी मत जाना ठीक है। नहीं देखो ये अच्छी बात होती है, लेकिन मैं इतना बढ़िया हूँ कि मैं ऑन कैमरा कुछ नहीं खाऊंगा, ऑफ कैमरा खाऊंगा सारा। और अगर कैमरामैन अपना कैमरा लेकर आ भी गया ना गलती से, तो ऐसे शर्मा के ऐसे पतली गली से निकल जाना। नहीं ये इसकी हरकत है ना, ये ऐसे ये इसी तरीके से भागती है। मैं तो जहाँ पे इन्विटेशन रहता है वहां तक नहीं जाती हूँ, तू तो वहां जा रहे जहाँ पे इन्विटेशन नहीं है, और जहाँ पे भूल गए अपने बचपन के दिन, वो क्या याद दिलाऊं, छोड़ बेइज्जती हो जाएगी, क्या हो जाएगी, बेइज्जती हो जाएगी तेरी, रहने दे, हट मेरे खाल दे यार। और शादी के लिए मैंने ये वाली कमीज मम्मी से प्रेस करवा दी है, जिसमें अभी भी लकीरें पड़ी हुई है, और पैंट में ये वाली डालूंगा, पैंट कौन कहाँ चलेगी, ये रही पैंट, ये पैंट मैं पहनूंगा जिसको मैं 2 दिन ऑलरेडी पहन चुका हूँ, और जूते मैं डाल रहा हूँ अपने ऑफिस के ही। और मेरे दोस्त को फोन करा, मैंने कहा भाई नए कपड़े पहन को तो नहीं आ रहा, कह रहा नहीं मैं नए कपड़े पहन के नहीं आ रहा हूँ, तो नहीं जा रहे हैं वहाँ पे आज। और बारिश आने स्टार्ट होगी, और भैया बहुत भयंकर दर्द होता है हाथ में ऐसे पकड़ के फोन, तो कहा फोन आ गया उनका, कह रहे जी हम तो निकल के आश्रम से, और मैंने तो ब्रश भी नहीं करा, मतलब तुम्हें क्या था दोबारा करो ना वहाँ जाकर,
ताकि थोड़ा सा दांत वांत साफ रहे बढ़िया से, और वो निकल गए ऑटो में है और मैंने अपने कपड़े नहीं पहने, अब वो रुकेंगे मेरे लिए वेट करेंगे, पता नहीं करेंगे नहीं करेंगे, हालांकि लेकिन मेरे को मिट्टो है 10 मिनट तो हो गए, हालांकि कोई आई नहीं रहा है, यहाँ पे मच्छर और काटने लग रहे हैं। अब ये ऑटो में 3 बंदे हैं, चौथा मेरे को बिठाएंगे गोदी में। बारिश हो रही है जोर की और ये आ ही नहीं रहे। ये तो आ ही नहीं रहे भाई, मैं बिक जाऊंगा ऐसे करके, मैं जा रहा हूँ घर अब, अगर ये 5 मिनट नहीं आया तो मैं घर गया फिर। और ये मिल गए साले, ये योगा वाला भैया साथ में लेके आए हैं बादल बना के, पैर छू पैर छू। और ये ऐसे करके, और ये चोमू नहीं, सॉरी राजू राजू, ये राजू है राजा। सही लगे भैया भैया भैया, अभी चल रहे हैं हम, भूख भी काफी लग रही है, कुछ नहीं। तो इन्विटेशन आया किसको है एक्चुअल में, तेरे को आया किसको आया? मतलब मैं और ये पार्टी कलेक्शन में जा रहे हो कुछ मिला के, इसे भी आया है, इनको भी आया, तो मैं अकेला पार्टी कर मेरे पास तो माइक्रोफोन भी नहीं है, बोल भी नहीं पा रहा मैं ठीक से। पंजाब ने 2-1 बनाए, पंजाब मैच जीत गई है और ये मैच हार गया। ये हमारा फॉर्मर ब्लॉगर, मैं इसके भरोसे बैठा था साले के कि ये ब्लॉग बना के कभी जिंदगी में सफल बनेगा तो थोड़ा मेरा प्रमोशन कर देगा, ये साला खुद ही छुप गया अपने फोन के पीछे, छुप रहा फोन लगा रहा मुंह पे, देखो इसको लज्जा आती, लज्जा। कौन सी प्लेट है ये, कितनी प्लेट है, नंबर 1, 2, 3, 4 कितनी प्लेट है ये? पांचवी प्लेट मैंने कीवी की भी खाया यहाँ पर, कुछ इतने ज़्यादा कीवी खा लिया है कि अब मुंह में खट्टा लग रहा है, अमीरों वाली फीलिंग भी आ रही है। माइक मेरे पास है नहीं इसलिए मैं ऐसे करके बोल रहा हूँ, वो माइक नहीं है भाई। पानी भी रॉयल स्टैक का मिला रहे हैं, यहाँ पे मैंने सारी डिशें ट्राई कर ली, सारी डिशें ट्राई कर ली अभी तक, और खाना नहीं खाया अभी तक, रसमलाई खा ली बहुत सारी, आइसक्रीम मंगा रखी थी पीते, अभी किवी कम से कम 1 किलो खा ली होंगे मैंने, मतलब जो महंगी आइटम थी ना वो सारी की सारी मैंने ठूस दी यहाँ पे पहले से ही। अभी मेरी आइसक्रीम ऑन दी चल रही है, कोल्ड ड्रिंक नहीं पीता मैं, कोल्ड ड्रिंक ना कांच गिलास में होती है, लोग जूठे करते हैं फिर रोते हैं, मुझे बेकार लगता है। एग्जाम्पल देखो, अब मैंने इसमें थूका है, इसको मालूम है पी रहा है, ये पी रहा है ना, लेकिन ये पी रहा है ना, और ये इतना बेहतर में ये फिर पी रहा है, इसको बता के ही पी रहा है। चलती वीडियो में से ले लिया क्या, अरे तो सुन रहे हैं, मैं तरीका बता रहा हूँ, बहुत कम लोग बताएंगे। ये देख इसमें की रेडी, देख जहाँ पर मन लग रहा ना ये, अब इसकी स्क्रीन शॉट ले ले ये, अब देख तेरे कैमरे की क्वालिटी चेक करना। अरे मेरे फोटो तो फिर भी गंदी आ रही है। अच्छा समझ नहीं रहा, मेरे सारे थंबनेल एक्चुअली ऐसे होते थे। अच्छा डेली पड़ रही है, कुल्फी खाना टाइम हो गया तो इतना गंद कभी नहीं बचाया किसी शादी में। बाय बाय बाय, बैठ जा चलो, चल ठीक है ओके, घर पहुंच के फोन कर दियो ठीक है, और किसी और घर में जाइयो अभी रात को, होश में है ना। इतना ज़्यादा खाना खा ले रहे हैं वहाँ पे, हालत ख़राब होगी, खाना कुछ नहीं खाया, सिर्फ कचर पचर आइसक्रीम तो आइसक्रीम, कीवी कम से कम 40 रुपये का एक कीवी आता है, या कभी कभी सीधे ना 20 रुपये का, मैंने नहीं करते करते एक पाव तो मैं कीवी खा गया वहाँ पे, और पाव भाजी लाना फलाना अगड़म बगड़म मैंने तो खाया, साथ वाले मेरे को देख देख के उन्होंने भी ढूंढ ढूंढ के इतना खा लिया, सबकी हालत खराब हो रखी है, साथ वाले लड़के
दो आइसक्रीम एक जेब में, दो आइसक्रीम एक जेब में भर के घर ले गया अपने। कह रहे सुबह खाऊंगा, मैंने कहा पिघल जाएगी, कह रहे फ्रीजर में रखेंगे फिर जमाएंगे और फिर खाएंगे। लेकिन मेरी बस की नहीं थी भैया और खाना ना, मैं घर को ले गया। मैं कोई बात नहीं भैया, हम नहीं लेके जा रहे घर पर में। और मुझे कह रहे थे ऑटो में छोड़ देता हूँ, मैं कहा नहीं भाई, कम से कम 1.5 किलोमीटर मेरी वॉकिंग हो जाएगी ना, थोड़ा मेरा खाना हजम हो जाएगा। सुबह तो ऑफिस निकलना ही है और सुबह पेट ठीक होना ज़रूरी है। वैसे बॉडी मेरी स्ट्रांग है, ऐसा मुझे कुछ होता नहीं, ऊपर टांग खा के कुछ। और अब मैं पंचिल के आसपास पहुंच गया हूँ वैसे, और घर पहुंचने वाला हूँ। यार मैंने एक चीज़ नोटिस करी है, व्लॉगिंग व्लॉगिंग जो चीज़ होती है ना, जितने भी व्लॉगर्स हैं भाई, हाथ बड़े भयंकर दर्द करते हैं। मतलब आप अगर एक मिनट पकड़ लो ना इसको, फ़ोन को, उसके बाद जो हाथ दर्द करना स्टार्ट करता है वो तो भैया क्या ही बताऊँ, काफ़ी दर्द हो जाता है हाथों में इसी चक्कर में। वॉकिंग से बेनिफिट मिल जाता है कि थोड़ा सा मैं आराम से घर पहुंच जाऊंगा बढ़िया से करके। आंटी वगैरह तो वहीं पे रुक गई, आंटी दीदी और उनकी दोनों बेटियां मानू और आदिति, आदिति नाम है शायद, मुझे ध्यान नहीं आ रहा। मैं बस पहुंच गया पंचिल के अंदर, अपना शॉप मैंने एंट्री कर लिया, अगले 5 मिनट में घर के अंदर। उसके बाद कुछ नहीं करना, सीधा मम्मी पूछेगी हाँ भाई फ़ोन क्यों उठा रहे थे, अभी मैं शूट कर रहा था तो बीच में फ़ोन आया और मुझे पता नहीं चला, उठ नहीं पाया फोन चेक कर। आ गया हम हैं, देर कहाँ करी सारे चने 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 चले सूखे चने, सुबह बनेंगे सूखे चने, प्याज डाल के बन जाएंगे सूखे चने। खाने तो खैर है नहीं मैंने, क्योंकि मैंने अभी इतना हैवी खाना खा लिया है कि मैं अब क्या ही बोलूं। तो गाइज आज के लोग को यहीं पे करते हैं एंड, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।